bismillah rahim students assalamualaikum this is chemistry class for grade 9 and i am ms Zabinsa, your chemistry teacher as usual uh, we are doing chapter number 6 uh, solution uh, today our topic is solubility before we have done the numericals of uh, molarity related to moral, uh, uh, molarity सेल्फ असेसमेंट यू विल नॉट डू द सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट सेवन दिस इज ऑल रिलेटेड विद द प्रैक्टिकल वर्क सो टुडे आर टॉपिक इज सोलबिलिटी और सोलिबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले वी विल रिवाइज दचुरेटेड सोल्यूशन हमने जब सोल्यूशन का स्टार्ट किया था टाइप्स किए थे तो उसमें अनसेचुरेटेड सेचूरेटेड और सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशंस का जो है yes, वो डिफाइन yes. किया था उन्हें एक्सप्लेन किया था तो उसमें व्हाट आर सैचुरेटेड सोल्यूशन सोल्यूशन दैट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सेटेड सोल्यूशन और हम कैसे रिकगनाइज़ करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं से कोई भी से हो कोई केमिकल हो सकता है ऐसे तो कुछ कोई भी चीज़ जो से किया होता है कम अमाउंट में हम आिस्तक आहिस्त डिज़ोल्व करना शुरू करते हैं जैसे जैसे मिक्सिंग होती जाती है एक स्टेज ऐसी आती है कि जो चीज़ को हम डिज़ोल्व करें वो सेटल डाउन होना शुरू कर देती है तो उस स्टेज को हम कहते हैं कि दैट इज़ सेचूरेट सोल्यूशन अब सेचूरेट सोल्यूशन को रिकॉल करने के बाद द डेफिनेशन ऑफ सोलबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सलूट दैट डिजॉल्व इन हंड्रेड ग्राम्स ऑफ सॉलवेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉलेबिलिटी के जो अमाउंट uh, सल्यूट की हंड्रेड ग्राम सोलवेंट में किसी ख़ास टेम्परेचर पर डिजॉल्व हो सके उसे हम सोलेबिलिटी कहते हैं तो आप क्या उसकी एग्जाम्पल से आप कैसे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि सेचूरेटेड सोलूशन बनाना है सोडियम क्लोराइड का इन हंड्रेड ग्राम्स ऑफ वाटर यानी हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर लेना है और उसमें यू विल स्टार्ट डाल्विंग सोडियम क्लोराइड जिसको हम आ, आम तौर पे नमक कहते हैं तो सेचूरेटेड कैसे पता चलेगा कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि जिसपे वो सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट है विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन कि वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा उसको हम सैचुरेट सोलूशन कहेंगे उस सोलूशन को हम आ, ले द, कर डाल देंगे चाइना डिश में ये एक राउंड सी डिश होती है जब, प्रैक्टिकल्स में हम इन्हें यूज़ करते हैं जैसे आप प्लेट टाइप लेकिन ये बहुत छोटे साइज़ की होती है और उस चाइना डिश को डिश को डिश का मतलब ये नहीं समझना अपनी चावलों वाली डिश बड़ी सी डिश होगी ऐसा नहीं है ये बिल्कुल एक छोटी सी डिश होती है बहुत खूबसूरत सी वाइट कलर की उसमें हम इस सोल्यूशन को डाल देंगे और उसे आहिस्ता आहिस्ता हीट करेंगे टेम्परेचर uh, पे बर्नर पे रख के और uh, एक स्टेज ऐसे और जब तक करना है आपने जब तक कि पूरा का पूरा वाटर जो है वो इवेपरेट ना हो जाए उसके बाद कूल डाउन करना है चाइना डिश को और उसको वेट करना है और आपको उससे पता चल जाएगा कैलकुलेट द मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन इट जो उसमें प्रेजेंट है अब सो सोलिबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज थर्टी फाइव पॉइंट सेवन ग्राम्स ये कैलकुलेट करने के बाद आई इसी तरह सोडियम थायोसल्फ़ेट की फिफ्टी ग्राम पर हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर है यानी हंड्रेड ग्राम में फिफ्टी ग्राम जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है अगर हम सिक्सटी ग्राम ऐड करेंगे आ, सोडियम क्लोराइड का सॉरी सोडियम थायोसल्फ़ेट का इन हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर एट ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड तो उसका वो उस सोल्यूशन को वो वट विल हैपन तो उसमें आप आपको क्या लगता है कि वो उसमें क्या होगा वो सेटल डाउन होगा वो एक सेचूरेटेड सॉल्यूशन होगा फिफ्टी से ज़्यादा सिक्सटी है ठीक है तो दिस इज द डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ सोलबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ के क्या वो ऐसी सोलबिलिटी uh, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है कैसे हम uh, अक्सर चीज़ें मिक्स करते हैं हम अपनी कॉमन लाइफ में देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड इजीली डिज़ो हो जाता है वाटर के अंदर इसी तरह आप कोई कोल्ड uh, ड्रिंक बनाते हैं घरों में शरबत मिक्स करते हैं कोई एनर्जेल मिक्स करते हैं पानी में वो ईज़िली मिक्स हो जाते हैं ठीक है ये तो आपने आमतौर पर देखा है कॉमन एग्ज़ाम्पल है सोडियम क्लोराइड की भी और या आप मेथनॉल uh, ये एक अल्कोहल है उसको डिज़ोल्व करें वाटर में वो भी डिज़ोल्व हो जाता है लेकिन आप ये भी देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो हो जैसे कि गैसोलीन है वार्निश हैं पेंट्स हैं या ऑयल जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आप घर में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ऑयल पानी के ऊपर तैरता रहता है तो ऐसी क्या रीज़न है वो कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जिनकी वजह से कुछ तो चीज़ें पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं और कुछ डिज़ोल्व नहीं होती वैसे वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है कि इसमें हर चीज़ थोड़ी बहुत मिक्स हो जाती है ऑयल को भी आप तेज़-तेज़ तेज़ घोएं मिक्स हो जाते हैं लेकिन फिर यह है कि उसके ड्रॉपलेट्स ऊपर आ जाते हैं ये तो बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है तो फिर इसको देखने के लिए इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना है कि हमने उस मॉलिक्यूल के अंदर उसकी लिए देखना है कि उसका इंटर मोलिकुलर स्ट्रक्चर कैसा है उसके लिए अब आप वो रिमाइंड करें कि मैंने आपको एक पोलर और नॉन पोलर बताया था कि पोलर कुछ मॉलिक्यूल पोलर होते हैं और कुछ नॉन पोलर होते हैं नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें पोल्स नहीं बनते ठीक है और पोलर वो होते हैं जिसमें पोल्स बनते हैं फॉर एग्जांपल उसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल की कि उसमें पोल्स बनते हैं और उसमें क्या आता है पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव जो है चार्ज जा आ जाता है ये हम अपनी रेगुलर क्लासेस में ये बहुत दफ़ा हमने मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ वाटर जो है मॉलिक्यूल एक्सप्लेन किया है कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव का मतलब क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव हल्का सा पॉजिटिव चार्ज और हल्का सा नेगेटिव क्योंकि जो उसमें उनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है वो जिसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जिससे दूर होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे तो इससे हम ये और एक ये केमिस्ट्री में एक चीज़ एक सेंटेंस यूज़ किया जाता है दैट इज़ लाइक डिज़ोल्व लाइक इसका मतलब है पोलर मॉलिक्यूल विल डिज़ोल्व पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल विल डिज़ोल्व नॉन पोलर पोलर और नॉन पोलर डिज़ोल्व नहीं हो सकते अब आप कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई कि जिस एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो पोलर है जिसमें पोल्स बनते हैं दूसरा ऐसा है जो नॉन पोलर है जिसमें पोल्स नहीं बनते तो ही बात है वो आपस में कैसे मिक्स होंगे आपस में बॉन्डिंग नहीं करेंगे जब तो वो मिक्स भी नहीं होंगे तो अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर दिस इज सी एच थ्री ओ एच दिस इज मैथानॉल दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड मेथनॉल मॉलिक्यूल, ठीक है मेथनॉल मॉलिक्यूल में क्या है सी एच थ्री और ओ OH. ये एक मेथनॉल है और इसके साथ यहाँ पे ये देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है टू एच और ऑक्सीजन अब क्या होता है कि जब मैथानॉल को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसका ऑक्सीजन जो है वाटर के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करता है ये जो डॉटेड लाइन है ये शो करते हैं जो दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग हो रही है और जो स्ट्रेट लाइंस हैं बिल्कुल स्ट्रेट हैं वो एक पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं मैथानॉल का तो इसमें आप देखें वो बॉन्डिंग कर लेते हैं इसी तरह एक दूसरा मैथानॉल का मॉलिक्यूल है सी एस थ्री ओ एच अब वो ज़ाहिर है नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव के साथ बॉन्डिंग करता है ठीक है इसी तरह ये स्ट्रक्चर जो है चलता जाता है ये मैथनोल मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये आपस में मिक्स हो जाते हैं इसी तरह हम सोडियम uh, क्लोराइड के मॉलिक्यूल देखते हैं जो वाटर में पानी सॉरी oh, नमक अब ये सोडियम आइन्स में कन्वर्ट हो जाता है एन ए प्लस और आपको पता है कि प्लस और माइनस चार्ज कैसे आता है पॉजिटिव को कैट कैटाइना कहते हैं जो बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन सोडियम का अलेवन एटॉमिक नंबर है ये वन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है वही जो है इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से निकलता है वो क्लोरीन में जाता है इस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है क्योंकि क्लोरिन पर नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है इसी तरह ये सोडियम जो है बॉन्डिंग uh, करता है पॉजिटिव चार्ज है इस पर तो ये नेगेटिव यानी ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्डिंग करता है और ए, एक और एग्जांपल है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जो के जिसमें बहुत से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं ये दीज आर वेरी सॉलिबल इन वाटर और अगर आप एक क्रिस्टल रखें सोडियम क्लोराइड का इन वाटर वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा ये भी मैं क्योंकि उसमें आयनिक बॉन्ड है ये भी जो मैंने एक्सप्लेन दी दीज एग्जाम्पल एक्सप्लेन के वाई सम लाइक डिज़ोल्व लाइक क्योंकि दोनों में पोल्स बन रहे हैं दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनता है, है और वो डिजोल्व कर लेते हैं और लेकिन गैसोलीन और दूसरे नहीं डिज़ोल्व होते जो मैंने आपको पहले बताया कि उसकी रीज़न ये क्या है गैसोलीन और या ऑयल जो हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं और जब इन्हें वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो नहीं होते लेकिन गैसोलीन और ऑयल जो है आपस में डिज़ोल्व हो जाते हैं क्योंकि हैव सिमिलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर सोलिबल इन वन है अदर तो हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं इस पूरी डिस्कशन से कि दैट सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल दैट सिमिलर स्ट्रक्चर And intermolecular forces tend to soluble, whereas substances that have dissimilar structure and intermolecular forces are insoluble. So, uh, this is all about today. Uh, inshallah, next time we do the effect of temperature on solubility. Before that, you have to solve uh, uh, self-assessment exercise related to this solubility. Have a nice day. Allah Hafiz.